इसमें हम लोग आपके डाउट को क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे यूजर के मन में यह डाउट रहता है कि जो कि फास्ट चार्जिंग फंक्शन हुआ, जो कि सिस्टम अपडेट आता है उसके जरिए मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो सिंपली आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक वृंदावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके डाउट को क्लियर करते हैं। बहुत सारे यूजर के मन में ये डाउट रहता है कि जो कि आपका फास्ट चार्जिंग फंक्शन हुआ आपके फोन में, जो कि अपडेट आता रहता है उसके मदद से मिल सकता है। फिर मान लीजिए फोन का अपडेट आया और आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने लगा, तो ऐसा पॉसिबल है या फिर ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? तो सिंपली आपको हम बताना चाहेंगे, जो भी आपका अपडेट आता है वह आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है, ना कि आपके मदरबोर्ड या फिर हार्डवेयर से। क्योंकि यहाँ पर जो कि फास्ट चार्जिंग फंक्शन है वह आपके मदरबोर्ड से रिलेटेड होता है, आपके हार्डवेयर से रिलेटेड होता है। उसमें मान लीजिए आपको फास्ट चार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर सर्किट लगे होते हैं, करंट को कंट्रोल करके आपके बैटरी को मैनेज करके फास्ट चार्जिंग करना, और जो कि बैटरी है उससे भी रिलेटेड होता है, और जो कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आता है वह आपके फोन से रिलेटेड होता है, लेकिन जो कि सॉफ्टवेयर उसमें पड़ा है डला है उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि बहुत सारे बग आते हैं, सिक्योरिटी इशू आता है, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको ओपन करते हैं तो ओपन नहीं होता, आपका फिंगरप्रिंट नहीं काम करता है, और आपका जो कि बहुत सारे ऐप्स भी उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि आपका OS ऑपरेटिंग सिस्टम है वह हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, तो उसको भी फिक्स किया जाता है, और जो कि आपके फोन का स्टेबिलिटी है उसको भी फिक्स किया जाता है। तो जो भी अपडेट आपको देखने के लिए मिलता है वह आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है, ना कि आपके मदरबोर्ड से। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जो कि OTA अपडेट आता है या फिर आपके फोन में अपडेट आता रहता है उसकी मदद से आपको कभी भी जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वह देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि फास्ट चार्जिंग को आपको यूज करना है तो आपको ऑलरेडी जब कभी भी आप फोन को बाय करते हैं तभी आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस फोन में फास्ट चार्जिंग है और कौन सा फोन हमें आपको लेना चाहिए, और जो कि आपके फोन में अपडेट आता रहता है वो आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।